बात्या बुलबुल प्रभाव में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर में प्रबल ऋतु प्रबल वर्षा और मयूरभंज कटक जाजपुर जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही विशेषकर चारोटी जिला जगत सिंहपुर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा शुक्रवार राति शनिवार राति पर्यंत वर्षार परिमाण अधिक रहा सहित घंटा प्रति 70-90 किलोमीटर वेग में पवन बहार संभावना रही तेज फोनी ठार बात्या बुलबुल प्रभाव कम रही पानीपाक विभाग कहिछि। सुंदरबन डेल्टा रे जलभाग छुईब बात्या बुलबुल सेठारे लैंडफॉल बेले पवन बेग घंटा प्रति 100-120 किलोमीटर बेग होई पारे। समस्त बंदर को 3 नंबर विपद संकेत जारी करछि पानीपाक विभाग। 9 तारीख रे पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर आदि 9 जिले रे स्कूल छुट्टी घोषणा होइछि। ମଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ ପାରାଦୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 350 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କେଉପାରା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରବନ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ତାହାରି ଉପରେ ଏ ବାତ୍ୟାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଇସ୍କା ପ୍ରଭାବ ମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଇସ୍କା ହେ ମେନ୍ ଆମର ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଆର୍ ୱିଣ୍ଡ ବି ତେଜ ହେ 70-80 किलोमीटर मैक्सिमम जाएगा। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है आज अभी नाइट में पूरी में हैवी रेनफॉल का चांसेस है। उसके बाद फिर जगत सिंहपुर केंद्रपारा बालासोर भद्रक इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जाजपुर मयूरभंज में हैवी रेनफॉल का चांसेस है। स्पीड ऑफ द मूवमेंट स्पीडटा बर्तमान से बढ़ी जाएगी। बर्तमान घंटा को 18 किलोमीटर बेगर से साइक्लोन टा मूव कर एक्सपेक्ट करा होची सेटा सुंदरगढ़ डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को मिडनाइट 9 नवंबर मिडनाइट रे सेटा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हिसाब से पास करिवो बोली तनु ऑलमोस्ट गोटे दिन वन कैन से कि एडवांस हो कारण 12 किलोमीटर बेगर थिला एबे 18 किलोमीटर बेगतार हेछि। विभिन्न प्रकार प्रिकॉशन निया हेइ जाइछि जहा जहा हेबा कथा ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଆସିବ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।